नमस्कार दोस्तों, SS पोल्ट्री फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली हमारी वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि जो गाटर लगाने के लिए जो गड्ढे खुद रहे थे, तो वो हमारा टॉपिक हो चुका था। तो आज हमारी वीडियो का तीसरा पार्ट है। तो आज के पार्ट में मैं आपको उससे आगे की प्रोसेस जो है वो बताता हूँ। हमारा काम थोड़ा आगे निकल चुका है, लेकिन वो मैं जो पीछे की जो प्रोसेस है वो आपको बता देता हूँ। गड्ढे इक्वल और एकदम स्ट्रेट लाइन में गड्ढे खुदने के बाद आप देख सकते हो, एकदम इक्वल लाइन में गड्ढे खुदने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जो कच्चा पत्थर है, जो कचरा वगैरह आप मान सकते हो, तो ये नीचे 4 इंच तक तो ये कचरा डालना है, ठीक है। उसके बाद यदि आपकी ज़मीन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, आपका लेवल ऊपर नीचे आता है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा गटर को ज़मीन से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। वो तो आपको लेवल मिलाना है दोस्तों, तो लेवल आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके बाद ये जो कचरा बिछाने के बाद हम गटर खड़ी कर रखी है, आप देख सकते हो, मैं पूरा दिखा देता हूँ। ये हमने गटर लगा दी, और गटर लगाने के बाद आप पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ। गटर लगाने के बाद आप ये इसको एक फिट तक आप इसको जो बजरी रोड़ी का मसाला है उसमें आप इसको दबा दें। 1 फिट तक ये बजरी रोड़ी के मसाले में पूरा दबा दिया जाएगा। और उसके बाद नीचे से ये गड्ढा पूरा लेवल में आने के बाद ये मसाला डाल करके आप इसके ऊपर 2 ईंट की वो लगा सकते हो, जिससे कि ये थोड़ा ऊपर निकल जाए। ये ईंट हटेंगी क्या फिर? ये ईंट दोस्तों अभी इस मसाले को रोकने के लिए लगा रखी है, और ये ईंट बाद में जब ये सेट हो जाएगा मसाला तो ये ईंट हटा दी जाएंगी। तो ये मान के चलो कि ये 1 फिट से लेकर के 1.25 फिट तक ये गटर इसके अंदर दबी हुई है, ठीक है। आप देख सकते हो, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये पूरी ये गटर खड़ी हो चुकी है। अच्छा, अब मैं आपको एक बार बीच में दिखा देता हूँ जो इससे पहले की जो प्रोसेस है। गटर में हमने जो पेंट कर रखा है, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँ कि आप गटर लगाने से पहले दोस्तों जैसे गटर मंगवाते हो तो आप इसमें पेंट करवा लें, क्योंकि बाद में पेंट करना बहुत मुश्किल होता है। साथ के साथ यदि आपका ये पेंट का काम हो जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको पेंट की प्रोसेस भी दिखा देता हूँ एक बार। पेंट की प्रोसेस आप ये देख सकते हो दोस्तों, पहले ये जो गटर खड़ी हो रही है, ये देख सकते हो आप, ये जो गटर खड़ी हो रही है, तो आप इनमें पहले पेंट करवा लें, जिससे कि बाद में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि जो काम पहले साथ के साथ बनते हुए चला जाता है दोस्तों, उस काम की होड़ नहीं होती, उस चीज़ की आप बराबरी नहीं कर सकते। बाद में कॉस्ट ज़्यादा लगती है और परेशानी भी ज़्यादा होती है, और वैसा काम नहीं मिल पाता आपको जैसा आपको पहले करने से जो सफाई मिलती है, जो सुविधा मिलती है, वो सब आपको नहीं मिल पाता है। तो मैं आप सभी को यही हर एक पार्ट में बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भी बीच में ऐसा काम न रह जाए जो आपको बाद में दिक्कत दे। इसीलिए मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि काफ़ी पार्ट्स बनेंगे हमारी इस वीडियो के। तो हर एक पार्ट में मैं हर एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ आपको बताऊँगा। तो चलिए हम वापस चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो गटर लगा रखी है इनका लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये जो साइड की जो ज़मीन है ये थोड़ा बहुत इसमें लेवल में, क्योंकि लास्ट का जो है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो ये देखिए आप, यहाँ ये ज़मीन के लेवल में है पूरा ये जो भर रखा है, और यहाँ भी ये ज़मीन के लेवल में, लेकिन आप आगे देख सकते हो यहाँ थोड़ा ज़मीन से ऊपर उठ के है, क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी नीचे है, यहाँ मिट्टी और डलेगी। तो आप ये न सोचें कि हमने ये कई जगह पे ऊपर तक मसाला लगा रखा है, कई जगह पे ज़मीन के लेवल में लगा रखा है। तो दोस्तों ये ऊपर तक मसाला इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये जो जगह है यहाँ थोड़ा
थोड़ा सा लेवल का फ़र्क है, और दूसरा ये हल्का हल्का ऊपर तक हर एक गटर में बनेगा, ये जो जिनमें नहीं बना है इनमें भी बनेगा, क्योंकि ये सपोर्ट के लिए है। कम से कम 1 से 1.25 फीट गटर ये इसके अंदर जाएगी, तो आप पूरा देख सकते हो। मिस्त्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जो ये गटर लगाई है और इनका आप जो ग्राउंड से लेवल ले रहे हो नीचे से, हाँ तो वो लेवल आप किस प्रकार ले रहे हो? आपको ये चीज़ का कैसे पता लगेगा कि किस गटर को आप 1 फुट दबाओगे या किसको आप 1.25 फुट दबा रहे हो? तो उस चीज़ का एक बार आप बताओ थोड़ा। इसका ऊपर से 8 फुट छोड़ के बाद में एक लेवल ले लेते हैं, वो अच्छा सभी एक ऊपर से एक साइड आ जाएगी। अच्छा यहाँ ऊपर से हाँ इसका नीचे ये जो आठ निशान फुट लगा रखे हैं 8 फीट आठ पे फुट है। हाँ अच्छा, अब जो गटर लेवल ले करके आपको पता लग जाता है कि कौन सी ऊपर है कौन नीचे कौन है। से नीचे सेम एक लेवल में आएगी ऊपर की टॉप। अच्छा ऊपर की, तो देखिए दोस्तों ये हमारे मिस्त्री जी, आपका शुभ नाम सर? राम ओके। गोपाल, राम इनका गोपाल नाम है राम गोपाल, धिंदवा। फ्रॉम धींदवा जो राजस्थान में पड़ता है। तो इन्होंने बताया कि ऊपर से इन्होंने 8 फीट का मेज़र कर लो रखा तो है, देख लिया ये आप देख हैं, सकते हो, फोटो देख आज जब की फोटो छोटी सी ये है। मार्क किया इन्होंने ऊपर से 8 फीट पे, और इस 8 फीट के हिसाब से ही ये लेवल ले रहे हैं, और उस हिसाब से इनको पता लगता है कि कौन सी गटर ऊपर है कौन सी नीचे है, किसको कितना अंदर तक दबाना है। ग्राउंड का लेवल उसी हिसाब से होगा, ये अंदर इसमें मिट्टी भर दी जाएगी और मिट्टी भरने के बाद इसमें फर्श डाला जाएगा। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए, सारी जानकारी हम आपको देंगे एक एक करके। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा लंबा चलेगा ये प्रोसेस, लेकिन आपको एक पोल्ट्री फार्म की हर एक छोटी छोटी जानकारी मैं आपको पहुँचाता रहूँगा। तो ये था हमारा वीडियो का तीसरा पार्ट दोस्तों, आगे का जो पार्ट हमारा बनेगा उसमें मैं आपको और आगे की प्रोसेस बताऊंगा। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि पोल्ट्री से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी मुफ्त में पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो वीडियोस को आप लाइक ज़रूर करें, और यदि हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं उसमें यदि कुछ कमी है, आपको कुछ और पूछना है, आपको ये लग रहा है कि हमने कुछ बताया नहीं या हम भूल गए हों, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें उस चीज़ का पता लगे और वो चीज़ हम आप तक नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ के बारे में ज़रूर आपको बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।